हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे लग रहा है बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं, अच्छा ही रहना चाहिए। लीम कर ठंडा पानी खूब पी लो और आराम करो। ओके, एक्चुअली ये अरबी की पत्ता ले लिया था, उसकी डंडी है, मैंने उबाल दिया था। उसके बाद पाँचफोरन और हल्दी, लाल मिर्च, प्याज लहसुन एक्चुअली मैं नहीं देती, अगर मैं काले चना की दाल डाल के बनाती तो। लेकिन मुझे झींगा मच्छी देना था इसलिए प्याज लहसुन डाला। टमाटर नहीं डालते इसमें, सिर्फ सिंपल बनाते। ओके, तो इसलिए मैंने सिंपल बना दिया। झींगा मच्छी दिया तो आधा लहसुन थोड़ा काट के दे दिया मैंने, छोटा से प्याज और तो कुआ लहसुन दे दिया। गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची सब डालना पड़ेगा। ओके, लेकिन 250 ग्राम है ना, इसलिए इतना सही बने, कोई बात नहीं है। लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। जो मच्छी खाते नहीं खाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करना। ओके, इसलिए हम तो आज ट्राई नहीं, हम लोग तो बनाते खाते। एक्चुअली हम बंगाली है, हम लोग ऐसे ही खाना खाते। तोड़ी मड़ी झींगा खाने की दिल नहीं करता है। आज नया नया आइटम बनाया हमने, पाट साग डाल के मसूर की दाल बना दिया। ठीक है ना, जो बंगाली है वो जानेगा पाट साग क्या है। उसको देखे मसूर का दाल बनाया, छोटे छोटे आलू का भुजिया बनाया, झींगा मच्छी डाल के अरबी की डंडी की पत्ता बनाया, डंडी बनाया। तो इसलिए आप लोग भी बनाइए, कोई भी रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा दोस्त बोलो और बहन बोलो। तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो दोस्तों को शेयर भी कीजिए, इतना हेल्प तो कर सकते हो, प्लीज़ यार कर देना। ओके बाय। अभी मेरा बहुत काम है, मैं आटा डालूंगी।